तो गुड इवनिंग आप सबको। हम स्याओ के लाइक टीम मेंबर्स हैं और हमारी कंपनी का नाम है डाइनिंग चेन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो इसका एक ट्रेडमार्क है स्याओ। मेरा नाम पूर्वक सूरी है, ये हमारे डायरेक्टर हैं अमिता सूरी जी, ये दिव्यान सूरी है, ये जोनल ऑफिसर है जो कटरा पूरा हैंडल कर रहे हैं, मैं सीईओ हूँ जो सारे ऑपरेशन हैंडल करता हूँ, और ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, और ये हमारे चीफ रिलेशनशिप ऑफिसर है जो सारे डील्स करते हैं रिलेशनशिप। इसके अलावा हम लाइक काफ़ी देर से ये सोच रहे थे कि इस एप्लीकेशन को रेडी किया जाए और यहाँ पर लॉन्च किया जाए। हमारा एम पहले था कि हम जम्मू में लॉन्च करें, बट हमने सोचा कि नवरात्रि आ रहे हैं और मतलब माता रानी की कृपा एंड ऑल, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर पहले लॉन्च करें कटरा में, और उसके बाद हम लाइक इसके बाद जम्मू में जाएं और पैन इंडिया जाएं। इसके अलावा ये है कि हम 2 साल से ट्राई कर रहे थे इसको स्टार्ट करने का, और 2 साल से होते होते लाइक मतलब पहले रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने टाइम दिया, डेवलपमेंट के ऊपर टाइम लगा, और करते 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 अभी भी बहुत सारी चीज़ें थी जो एंड तक नहीं होती, बट आज अभी कंप्लीट हुई हैं हमारी चीज़ें और हम कल से लॉन्च कर रहे हैं इसको 3 अक्टूबर से। बाकी तो जो भी सर्विसेज हैं इसकी, जो भी चीज़ें हैं वो आपको राजवीर की बता देंगे, इनका नाम देखिए बजूत्रा। सर, किस तरह की सर? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए, सेऊ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कस्टमर्स को एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कटरा की सिटी में, जो अभी तक किसी भी कंपनी ने या किसी भी एप्लीकेशन में वो स्टार्ट नहीं की गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सर्विस है वो है क्यूआर कोड स्कैन को लेकर। ठीक है, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनको टूरिस्ट को स्पॉट कर रहे हैं। वो अब इसको लॉन्च करने का जो हमारा तरीका है वो इस तरह से है कि कटरा में मैक्सिमम जो टूरिस्ट आता है वो जब दर्शन करने के बाद नीचे आता है अपने रूम में रेस्ट करता है, तो उसको खाने के लिए बहुत दिक्कत आती है। ये हमारी R&D टीम ने हमें बताया, तो हमारे सर्वे के अकॉर्डिंगली उस दिक्कत को जो है हमने खत्म किया है। हमने क्या किया है, हर एक होटल के रूम के अंदर जाके अपना QR कोड इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें कस्टमर कितना भी थका हुआ हारा हुआ होगा वो वहीं से अपने रूम में बैठे बैठे वो QR कोड स्कैन करेगा, ऑर्डर डायरेक्टली हमारे वेंडर्स रेस्टोरेंट्स को जाएगा, और हमारा डिलीवरी बॉय जो है वहां से पिक करके उनको उनके रूम तक उनकी जो है फूड डिलीवरी वहां प्रोवाइड करेगा। सेकेंड, इसमें हमने एक ऑप्शन रखी है जो जैसे ही बस से आया है, कार से आया है, जो भी कस्टमर यहाँ पर आता है, अगर उसको वहाँ इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में खाना पसंद नहीं है या खाना नहीं चाहता है, तो वो आने से पहले ही ऑन द वे अपना प्री बुकिंग कर सकता है, अपना खाना अपना पूरी लिस्ट में चेक करके अपने जिस भी जो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से वो खाना ऑर्डर प्लेस कर सकता है, और जैसे ही वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचे उसका खाना ऑलरेडी वहां पर रेडी होगा, पैक्ड होगा, वो वहां से पिक करके अपने रूम में जाके आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता है। तो ये हमारा जो जैसे मैंने पहले बताया हमारा मेन मोटो था कि ये कस्टमर्स की ये दिक्कत को खत्म करना, जो आज तक किसी भी पूरी ऑल ओवर इंडिया में से किसी भी कंपनी ने ये चीज नहीं की थी। वी आर द फर्स्ट वन, हम लोग पहली बार यहाँ पर ये चीज कर रहे हैं। सेकेंड, जो हमें अच्छा रिस्पॉन्स कटरा से आ रहा है वो ये है कि हमारे जो सर्विसेज चार्जेस है अदर देन जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं पैन इंडिया में, उनसे उनसे हमारे सर्विस चार्जेस बहुत ज्यादा ही कम है, लीनियंट है, इसीलिए वेंडर्स रेस्टोरेंट्स हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो एसोसिएशन है गेस्ट हाउस के साथ, होटल्स के साथ, वो बड़ा अच्छा है, उनको भी हम अच्छा खासा एक फेवरेबल एक शेक हैंड दिया है हमने उनको, जिसके साथ वो हमें अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा करके हमें दोनों तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी ऐसा है कि कटरा में जिस तरह का भी फूड अवेलेबल है, ये हमारा कोई खुद का कोई इसमें कोई किचन नहीं है, कटरा में जिस तरह का भी फूड अवेलेबल है वो सारे फूड्स हमने अपने कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रखा है हमारी साइट के ऊपर। सर, ऐसा है कि कटरा खुद ही जो कटरा सिटी है वो ऑल अराउंड कुछ 4 to 5 किलोमीटर में पूरा सेटल्ड है। ठीक है, तो इस बीच में जितने रेस्टोरेंट्स, जितने ढाबास, जितने कैफेज और जितने गेस्ट हाउस और होटल्स आते हैं, हमने उन सबको टारगेट किया हुआ है, वो सब इसके अंडर आएंगे, और हमारा ये जो डिलीवरी जोन है ये इसी के अंडर आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा एट अभी लॉन्च के टाइम पे। बाकी इन फ्यूचर देखते हैं, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फूड चेन्स हैं जिनके साथ आप सर्विस के लिए जो है वो सुविधा प्रोवाइड करेंगे? जी सर, सर अभी तक ऐसा है कि पिछले एक महीने से लेके हम हमारा जो है प्री वर्क यहाँ पर चल रहा था, सो राउंड अबाउट मोर देन 600 रूम्स के साथ अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन कर ली है, प्लस अभी तक 20 प्लस वेंडर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो हमने अपने साथ एसोसिएट कर लिए हैं।
जिसमें 5 से 6 ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं जिनको हमने अपने प्लेटफॉर्म पे अपने सारे रजिस्टर कर दिए। तो आप मैं बोल नहीं सकता ऐसा, बट इन फ्यूचर हमारा ये है कि हम इसको 24/7 करेंगे, क्योंकि कटरा में मैंने पिछले काफी दिनों से ये चीज देखी है कि कुछ मोस्टली सिटी जो है 12 बजे के बाद ही ऑफ हो जाती है, बट नवरात्रा एक ऐसा टाइम है जब ये 24 घंटे चलती है। तो अगर 24 घंटे कटरा चलेगा तो 24 घंटे हम भी चलेंगे, बट स्टिल जब तक रेस्टोरेंट्स कैफेज ओपन है तब तक हमारी सर्विस ओपन रहेगी। जी सर, सर डिलीवरी का जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी मार्केट में सेट हो चुका हुआ है, काफी बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने एक टाइम लिमिट सेट कर दी हुई है कि 30 मिनट्स में डिलीवरी हो जाएगी, बट ठीक है हम भी मतलब मैं कमिट नहीं करता हूँ 30 मिनट्स में, पर ये है कि जब वेंडर ने खाना पैक कर दिया तब से लेके कस्टमर तक पहुंचाने की 30 मिनट्स में हम डिलीवरी की गारंटी लेते हैं, बट ये पूरा ऑर्डर सर्कल घूमने में 30 मिनट्स है इसकी श्योरिटी मैं आपके लिए लेता हूँ। तो क्या चार्जेस लगेंगे दुकान से हम फूड चेन से आप फूड उठाएंगे और जहाँ पर आप सर्विस देंगे उस जो आपके चार्जेस हैं कितने परसेंट चार्जेस देंगे? सर देखिए वैसे तो हर डिलीवरी जो होती है वो चार्जेबल है, फ्री तो कोई भी कुछ नहीं है इस वर्ल्ड में, ठीक है, बट हमारे जो रेट हैं वो बहुत रीजनेबल है, ठीक है, बहुत मिनिमम चार्जेस हैं। आप चाहे 10 रुपए की आइटम मंगाओ या चाहे 10,000 का फूड ऑर्डर करें, वो एक ही मिनिमम एक ऑर्डर पे एक ही चार्ज रहेगा, वो छोटा सा प्राइस है, वो वेरिएबल है, वो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं। एवरीथिंग इंक्लूड है, जो भी रेस्टोरेंट का मेन्यू है, कैफे का जो भी मेन्यू है, वो सारा कुछ अवेलेबल होगा टाइम टू टाइम। अब ये है कि अगर कस्टमर चाय या ब्रेकफास्ट की आइटम अगर डिनर में देने के लिए तैयार है तो हम डिलीवरी का वो जो भी ऑर्डर होगा जो भी चीज होगी हम उसको डिलीवर करते हैं। जय माता दी सभी को। मैं पहले तो थैंक्स करूंगा सभी मीडिया रिपोर्टर्स को अपना कीमती वक्त निकाल के जो आए हैं मेरे लिए और साथ हमारे टीम के लिए, और थैंक यू करूंगा सपोर्टिंग स्टाफ को। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि डिलीवरी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या कोई भी इश्यूज हैं तो उसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए हमने एक प्रॉपर ब्रांच ऑफिस बनाया हमारा जो कि है मेन बाजार वाली साइड पर। तो वहाँ पे अगर कोई क्वेरीज है, हमारा नंबर आगे मेंशन किया हुआ है, तो कॉल करके हमको डायरेक्ट वहाँ कॉल टेक करेंगे और क्वेरीज हैंडल करेंगे। वो चीजें हमने सब क्वेरी सब फ्लॉज देख के हमने आगे स्टार्ट किया कि अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंटेबल वे में नहीं पहुंचती है या अच्छे वे में नहीं पहुंचती है तो उसके लिए हमने रिफंड ऑप्शन भी रखा है। तो वो कॉल करके डायरेक्ट अपना रिफंड हम करवा सकते हैं उसे, या नेगोशिएट करके कुछ भी, तो वो हम चीज़ें उसे फ्लॉज ओवरकम कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम हमने नहीं रखा है यहाँ पे, पेमेंट्स हमको प्रीम करनी पड़ेगी पहले। और यात्रियों को इसका तो हमारे आइडिया से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यात्री यहाँ आते हैं मेन माता रानी के दर्शन करने, माता रानी के दर्शन किए वो थके हारे अपने रूम पे आए हैं, तो उस टाइम पे कोई भी यात्री कोई भी कुछ नहीं जाएगा कि वो यहाँ से खड़ा होकर अभी मनोरंजन या किसी भी आउटलेट का जाके खाना ट्राई करे, वो इस चीज़ का बेनिफिट लेंगे। वो अपने रूम में हमने 600 रूम हमने अपने अंडर किए हुए हैं जो हमारे साथ इन हैं, वहाँ पर हमारे QRs लगे हैं, तो वो स्कैन करके डिफरेंट वेंडर्स की लिस्ट वहाँ खुल जाएगी, तो उनको जो प्रेफरेबल जो ऑर्डर उनको करना है वो वहाँ पे वो कर सकते हैं। आमतौर पर देखते हैं वेजिटेबल और नॉन वेज बेसिकली दोनों चीजें हम सर्व करती हैं, सेव जो है वो किस तरह से फूड है नॉन वेजिटेबल या कस्टमर की दुकान भी सर्व कर सकते हैं कि आदर्श में करना होता है छोटा है। स्याओ ने बस ये चीज़ का पहले ही प्रिकॉशन लिया था कि कटरा में सिर्फ वेज फूड डिलीवर होगा और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ हम डिलीवर नहीं करेंगे जो कि इलीगल हो कटरा में, क्योंकि माता रानी का यहाँ पे वास है कटरा है, तो यहाँ पे जितना भी फूड सर्व होगा वो ओनली वेज होगा। तो मीनिंग आपको स्याओ आपने बहुत प्रशांत हाँ जी हाँ जी तो स्याओ हमने एक डोगरी वर्ड रखा है, स्याओ जैसे सबको पता होगा कि उसका वर्ड मतलब मीनिंग है उसका सेव, तो स्याओ वर्ड हमने लोगों ऐसे लिया कि हाँ हम अपने J&K में खोल रहे हैं, हम किसी और ब्रांड या किसी वेस्टर्न ब्रांड का क्यों मतलब हम बोले सारा, हम अपने से कोई ऐसा नेम बनाएंगे, नेम अपना टाइटल बनाएंगे जो कि सबको पता हो, जो सबके मुंह पे हो, जैसे कि स्याओ आपने बोला। ये हम धीरे धीरे कटरा में बिल्कुल ऐसे एडवर्टीजमेंट जैसे हो रही है, धीरे धीरे सबको पता लग रहा है कि स्याओ ब्रांड है क्या, डाइनिंग चेन मतलब डिलीवरी सिस्टम सबको पता लग रहा है, तो वो घर से बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, QR सिस्टम धीरे धीरे सब जगह पे पहुंच जाएंगे, लोकल एरिया सारा कटरा कवर करेंगे, जहाँ पे स्कैनर्स पहुंच जाएंगे तो वो स्कैन के थ्रू डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए QR कोड की बात की है तो कौन कौन सी ऐप देगी, क्या प्ले स्टोर में आपकी ऐप रहेगी, आईफोन में आपकी ऐप रहेगी, बताती हूँ। QR कोड मेरे को लगता है सबसे ज्यादा आसानी से अवेलेबल होता है एक चीज, क्योंकि सिंपली हमें क्या करना है, स्कैन करना है, कैमरा तो सबके फोन में है ना, जिनके फोन में कैमरा है वही ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, हर फोन पे तो ऐप डाउनलोड भी नहीं हो पाते, आप छोटे फोन बोलो कि ऐप डाउनलोड हो जाए। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि हाँ आपका मेन क्वेश्चन है कि
प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे है या नहीं है, एप्लीकेशन अवेलेबल है। ऐप स्टोर पे अभी नहीं है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, वहां पे भी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन प्ले स्टोर पे अभी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा ईज आपको QR कोड स्कैन करने से रहेगी कि सिंपली वेबसाइट खुल जाएगी, आपको जो ऑर्डर प्लेस करना है, जो आपको पसंद आता है। जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि नॉन वेज वेज डिलीवर होगा या नहीं होगा, सर हम, हमारा फूड आउटलेट नहीं है, हमारा काम है फूड आउटलेट्स को हमारे एक ऐप के अंदर लेना। अगर वो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर जो कस्टमर है वो ऑर्डर कर रहा है तो वो उसे डिलीवर होगा। अगर वो चीज इलीगल है यहाँ पे, अगर वो है ही नहीं तो कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं ना, वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप आराम से अपने QR कोड को स्कैन करिए अपने फोन से, वेबसाइट खुलेगी, आपको जो खाना पसंद है, आपको जो ऑर्डर करना है, आप आराम से करिए और वहीं से लिंक भी खुल जाएगा। सिंपली आप इससे डाउनलोड कर सको अपना ऐप, आप ऐप आराम से डाउनलोड करो और वहां से ऑपरेट कर लो, उसमें कुछ एक्चुअली ऐसी बात है कि इसके लिए हमने गेस्ट हाउस ओनर्स को ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर कोई यात्री आपके पास आ रहा है और वो खाना मंगाना चाह रहा है तो आप उनके बिहाफ पर ऑर्डर कर सकते हैं ना, आप उससे कैश ले सकते हैं और हम डायरेक्टली उनसे पेमेंट उसके बेसिस पे ले सकते हैं। देखिए सर, अभी जैसे नारायण हॉस्पिटैलिटी आपने बोला और ये जो आपने रेलवे यूनिवर्सिटी एंड रेलवे बोला, इधर तो हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी घुस पाए, जस्ट बिकॉज नवरात्रि आ गई तो हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। अभी साथ के साथ हम यहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स और ऑन बोर्ड करेंगे और जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हमारी ब्रांचेज ज़्यादा से ज़्यादा ऑन बोर्ड हो पाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के साथ। और हमारा तो हमेशा से यही ट्राई रहेगा कि कोई भी कस्टमर आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी ही खाना मिले, क्योंकि वो भी भूखा बैठा है और इसलिए वो ऑर्डर कर रहे हैं और हमें भी तो यही है कि जल्दी से जल्दी आपके पास डिलीवर हो। हमारे ये जो सेहूम का कंसेप्ट था जो हम कटरा में लेके आया है, इससे जो हमारे वेंडर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबेज हैं, कैफेज हैं, उनको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एट प्रेजेंट जिस लोकेलिटी में हम हैं, इसके आसपास जो ढाबे हैं उनको, वो सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को फीड कर पाते हैं जो इस नियर बाय सराउंडिंग में। अब अगर कोई बस स्टैंड रुका है, कोई रेलवे स्टेशन रुका है और यहाँ की कोई स्पेशल चीज़ है अगर उसको खानी है तो और कभी उसमें यहाँ पर आना पड़ेगा। बट हमारी इस फैसिलिटी की वजह से वो अपने रूम में बैठे बैठे वहीं से पूरे कटरा में एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक कोने से दूसरे कोने में वो अपने लिए अपना खाना अपनी मनपसंद का ऑर्डर कर सकता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम क्या देखते हैं कि मतलब जो भी वेंडर, जो भी रेस्टोरेंट ओनर है वो बहुत सोच के, किसी भी हमारे जैसे कॉम्पिटिटर्स एप्लीकेशन है उनपे बहुत सोच के जाते हैं कि प्लेटफॉर्म फ्री रहेगी, ये रहेगा, वो रहेगा, कुछ भी ऐसा। हमारा इतना बड़ा वैल्यूअप नहीं है, हमारा मेन मोटिव ये है कि हम डिजिटलाइज कर सकें। हम सिर्फ बात करते हैं कि पैन इंडिया डिजिटलाइजेशन, तो हम जम्मू में बैठे हैं, हमारा जो ब्रांड है स्याओ, इसका मेन नाम ही जम्मू और अपनी डोगरी भाषा में है ना, तो हमें जम्मू को डिजिटलाइज करना है सबसे पहले। हम इंडिया के बारे में कैसे बात कर ले जब हमारा घर ही पैसा नहीं है, तो पहले हम जम्मू को डिजिटलाइज करेंगे और उसके बाद हम बाकी पैन इंडिया और उस हिसाब से। हमने यहाँ से इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि सबसे पहली बात नवरात्रे है और नवरात्रों से अच्छा कुछ भी शुरू करने के लिए क्या हो सकता है, सबसे शुभ मुहूर्त ही नवरात्रे होती है।